आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस उपलक्ष्य में वृंदावन शोध संस्थान में जो संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के सौजन्य से मिशन शक्ति की कार्यक्रम श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है विगत अनेक महीनों से, उसी श्रृंखला की एक कड़ी के रूप में आज एक विचार गोष्ठी वेबिनार का आयोजन किया गया है। नारी गौरव की पुण्यभूमि ब्रजमंडल, और इस अवसर पर हमारा सौभाग्य है कि हमारे समक्ष दो जागरूक विदुषी महिलाएं हमारे इस प्रेक्षागृह में विराजमान है, सभागार में विराजमान है। हम आपका स्वागत करते हैं, डॉक्टर साधना कुलश्रेष्ठ जी, जो कि विगत अनेक दशकों से नारी उत्थान, नारी संरक्षण के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं, अनेक संस्थाओं से संबद्ध हैं, विशेष करके अखिल भारतीय महिला परिषद की वृंदावन इकाई की आप इंचार्ज हैं, और साथ ही आपने इस अवधि में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के संरक्षण के लिए अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, अनेक कार्य किए हैं, और अभी भी आप इस क्षेत्र में संलग्न हैं। हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पधारी हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं डॉक्टर साधना कुलशिष जी का। और यहाँ एक और महिला विदुषी विराजमान है, प्रतिभा शर्मा, एडवोकेट। आपको वृंदावन में कौन नहीं जानता, और पेशे से आप वकील जरूर हैं, लेकिन उस अपने पेशे का आपने जो उपयोग किया है वो महिलाओं के उत्थान के लिए किया है, महिलाओं के संरक्षण के लिए किया है, और अनेक संस्थाओं से महिलाओं के संरक्षण के निमित्त जो ब्रजमंडल में, वृंदावन में या राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य कर रही हैं उन संस्थाओं से भी आपकी संबद्धता है, और इस क्षेत्र में आपका योगदान अद्वितीय है। और हम तो अनेक बार आप दोनों के विषय में ही समाचार पत्रों के माध्यम से भी सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कि आप किसी न किसी कार्य में, किसी किसी अच्छे अवसर पर महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में जो कार्य कर रही हैं वो वंदनीय है, और इसलिए हम आपका दोनों का पुनः स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का विषय, जैसा कि हमने बताया, कि नारी गौरव की पुण्यभूमि ब्रजमंडल। देखिए, ब्रजमंडल को हम राधा कृष्ण की लीला भूमि के रूप में विशेष रूप से जानते हैं, लेकिन अगर ब्रजमंडल की बात करें तो ब्रजमंडल एक ऐसा स्थान है जहां पे सहस्रों वर्षों से, शताब्दियों से अनेक भक्तों का, विद्वानों का आवागमन होता रहा है। उनमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, और जब यहां आवागमन हुआ है तो उस आवागमन के साथ ही उन्होंने हर प्रकार की परिस्थितियों को देखा है, उन परिस्थितियों को जिया है, और उन परिस्थितियों को जीने के साथ ही कुछ ऐसी स्थितियां भी बनी हैं जिसमें नारियों को सुरक्षा मांगनी पड़ी और उन्हें सुरक्षा देनी पड़ी। दोनों पक्ष हैं इसके, तो आज इस विषय में आपसे चर्चा करेंगी। हमारे साथ हैं वृंदावन शोध संस्थान के ब्रज संस्कृति संग्रहालय की क्यूरेटर श्रीमती ममता। तो मैं ममता जी से अब अनुरोध करूंगा कि आपसे संवाद के माध्यम से इस ऑनलाइन वेबिनार को प्रारंभ करें। सबसे पहले मैं प्रतिभा शर्मा जी आपके समक्ष विराजमान है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप दुपट्टा ओढ़ाकर उनका स्वागत करें, और साथ में, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो एक मास्क भी आप भेंट करेंगी। एक बार आपका स्वागत पुनः करते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार मैडम, आपका नाम और आपका काम जी। वो सर्वव्यापी है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे अनुरोध करेंगे, आप किस प्रकार से महिलाओं और बच्चों के लिए कार्य कर रही हैं उससे आप प्रारंभ करें थोड़ा सा। जी, नाम से सभी परिचित हैं, फिर भी मैं नाम से ही शुरुआत करती हूँ। मेरा नाम है प्रतिभा शर्मा, और मैंने ब्रज क्षेत्र में शुरुआत की थी वकालत से, लेकिन इस पेशे ने मुझे कहाँ तक पहुंचा दिया ये सर्वविदित है। वर्तमान में मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जुडिशियल मेंबर के पद पर कार्यरत हूँ, और उसके तहत मैं जो टूटे हुए परिवार होते हैं, जो बिल्कुल पराकाष्ठा पे पहुंच जाते हैं लड़ते हुए, तो उनको
पुनर्वासित करने का प्रयास करती हूँ और प्रत्येक दिन 2 या 3 परिवारों को मैं घर भेजने का कार्य करती हूँ। इसके साथ ही जो मेरा एक काम करने का जज्बा शुरू हुआ था वो ये था कि एक दिन वकालत के पेशे में ही जब मैं वकालत के लिए कोर्ट जा रही थी तो हमारे श्रीधाम वृंदावन जो कि भक्ति और वत्सल के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ अटल्ला चुंगी पर एक विक्षिप्त महिला ने 2 जुड़वा बच्चों को पैदा किया। वो किसी दुर्घटना का ही शिकार थी, सब लोग वहां से निकल रहे थे और उस महिला को देख रहे थे लेकिन किसी ने भी उनको कपड़े वगैरह डाल रहे थे, पैसे डाल रहे थे, लेकिन वो विक्षिप्त थी, उसे पता ही नहीं कि उसके साथ हुआ क्या है। बच्चे रो रहे थे, बहुत लोग मौजूद थे, मैं भी वहां से निकली, मैंने रुक करके देखा। जब मैंने उन दोनों जुड़वा बच्चों को अपनी गोद में उठाया तो समझ लीजिए मेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल गई और वहीं से शुरू हुई संघर्ष की कहानी। और चूंकि यहाँ पर बहुत बड़ा संस्थान भी है लेकिन उन बच्चों को लेने से इनकार कर दिया गया, तो संघर्ष मैंने इसलिए जोड़ा उसमें। मैंने उनकी कानूनी लड़ाई लड़ी, तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट के सामने प्रार्थना पत्र दिया और उन दोनों बच्चों को उसी संस्था में मैंने प्रवेश दिलाया और वहीं मेरी पहली जीत हुई। फिर मैंने पलट कर देखा नहीं और मैं बस चलती चली गई और कार्य करती चली गई। आज मेरा मकसद है कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है, वैसे हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर रहे हैं और आज है भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो विशेषकर हम महिलाओं के संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन जब मैं काम करने लगी और जो पीड़ित व्यक्ति पुरुष भी होते थे तो वो भी संपर्क करते थे, तो फिर मैंने थोड़ा सा अपना कार्यक्षेत्र बदला और मेरे लिए महिला पुरुष बच्चे में कोई अंतर नहीं रहा और एक विषय निकल करके आया और एक जो नाम निकल कर आया वो विक्टिम आया। विक्टिम कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो पुरुष हो सकती है, वो बच्चा हो सकता है, वो महिला हो सकती है। तो मैंने इस क्षेत्र में फिर उन सबके लिए काम करना शुरू किया और वस्तुतः महिलाओं के लिए वृंदावन में बहुत अधिक काम हो ही रहा है और मैं भी कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप इस क्षेत्र में इतना अधिक कार्य कर रही हैं और बहुत ही जागरूक करने वाला कार्य कर रही हैं जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। आज अपने यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम में नारी गौरव की पुण्य भूमि ब्रजमंडल, तो आप इस कार्य को, आपको कैसे लगता है कि आप इस कार्य को ब्रजमंडल से जोड़ रही हैं या ब्रज के ही लोगों के लिए कर रही हैं या सभी के लिए कर रही हैं, सामूहिक रूप से कर रही हैं, इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालें। बिल्कुल, देखिए चूंकि हम ब्रजवासी हैं और ब्रज में रहते हैं तो ब्रज एक ऐसी जगह है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और कृष्ण की पावन क्रीड़ा भूमि है जो कि योगी राज है, तो विश्व प्रसिद्ध होने के कारण ये हमारा सौभाग्य का विषय है कि हम श्रीधाम वृंदावन में निवास करते हैं और ये प्रेम भक्ति वात्सल्य से परिपूर्ण है। और जब हम इसके इतिहास में जाते हैं तो हमें लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं हैं। हम उस इतिहास में अगर हम यशोदा मैया का चरित्र देखें तो हम उनके कटे हुए नाखून के बराबर भी नहीं है। जब हमने उनको पढ़ा है, उनके बारे में सुना है और उन्होंने हमारे बाल गोपाल कृष्ण का पालन पोषण किया है तो अपने आप में एक अजीब सी अनुभूति होती है। और यशोदा मैया का जो चरित्र है वो ब्रज में प्रसिद्ध है, वो एकदम वात्सल्य से भरी हुई थी और उन्होंने भगवान को कभी भगवान नहीं माना। जब देवकी जी जेल में थी तो उन्होंने जब 6 बच्चों की डेथ हो गई तो उसके साथ में ही वसुदेव जी से चर्चा की और ठाकुर जी से भी प्रार्थना की, तो उनको जब ठाकुर जी का दर्शन हुआ तो उन्होंने उनके चरण स्पर्श करने का प्रयास किया तो, और लेकिन यशोदा मैया ने कभी भी बाल गोपाल का चरण स्पर्श करने का प्रयास नहीं किया। और योग माया के प्रभाव से जब उनको हटाया गया तो नंद रानी ने जो हमेशा उनको देखा, एक बाल रूप में देखा, इतने असुरों का उद्धार उनके सामने हुआ, गोवर्धन पर्वत को उठाया, उखल से बांधा गया, नित्य नई 3 के दिन के बच्चे ने पूतना का वध किया, लेकिन फिर भी माता ने उनको ये नहीं समझा। और जब कभी इस तरीके की घटना होती थी, एक बार जब उन्होंने माटी खाई और मुंह खोला तो संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन जब मैया को हुआ तो वो एकदम से डर गईं, तब भी उन्होंने ईश्वर को ईश्वर नहीं माना और वो वैद्य जी के पास गईं कि जाकर के मेरे लाला को देखो कि इसको क्या हो गया है। तो ये वात्सल्य भाव था यशोदा जी का। और जब
नंद भवन में वो रहते हुए वात्सल्य भाव के तहत भगवान कृष्ण को स्तनपान करा रही हैं, तो एक अजीब सी और वही फीलिंग उस वक्त मुझे हुई थी जब मैंने वो विक्षिप्त रानी नाम था उस महिला का उन दो बच्चों को उठाया था और उनको आश्रय प्रदान किया था। तो आज हमारे ब्रज में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ऐसे निराश्रित बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए काम कर रही हैं और पूर्व में भी किया है। तो हम लोग को शायद ठाकुर जी ने इसीलिए बनाया है कि हम यशोदा जी का जो कार्य छूट गया है उसको हम पूर्ण करें, क्योंकि भगवान कृष्ण तो लीला के तहत वहां से यहाँ आए थे, लेकिन आज की परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जिस तरीके से आज ये सब घटनाएं हो रही हैं, बड़ा हृदय विदारक होता है कई बार जब मैं अनाथ बच्चों को, निराश्रित बच्चों को कूड़े के ढेर से या ऐसी जगहों पर से उठाती हूँ जहां उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो एक देवकी माँ थी कि उन्होंने बच्चे को जीवित रखने के लिए, कि बच्चे को कष्ट ना हो, जेल में जाना स्वीकार किया था और अपनी मृत्यु का वरण किया था और उसके बाद फिर मातृत्व को भी त्याग करके बच्चे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। लेकिन आज अगर उस स्थिति में देखें तो हम इतने नीचे गिर चुके हैं कि हम अपने संस्कारों को भूल चुके हैं और प्रेम के वशीभूत होकर हम गलत कदम उठा जाते हैं और उन गलत कदमों का परिणाम होता है कि संतान उत्पत्ति। और जब वो संतान उत्पत्ति होती है, हम समाज के सामने प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं, हम समाज के सामने अपने आप को दिखा सकते हैं, मॉडर्न हो सकते हैं, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है हम उसको कुंती की तरह अपना नहीं सकते हैं और हम उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं, सड़क पर डाल देते हैं, पानी में बहा देते हैं, नाले में बहा देते हैं। तो हमको आज आवश्यकता है कि मैया यशोदा से, कुंती से या देवकी जी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे बच्चों को, ऐसी बेटियों को हमें सुरक्षित रखना चाहिए। तो इस तरीके से हम जब इन सब चीजों को करेंगे तो हमारा जो इतिहास है वो भी संरक्षित रहेगा, हमारे देश के बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी। और इसके साथ ही कई बार क्या होता है कि बेटे को जन्म देने के लिए हम गर्भ परीक्षण कराते हैं और गर्भपात भी कराते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है ईश्वर की माया है, ईश्वर ने दिया है, आप भी तो बेटी हैं, तो हमें ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि बेटी है या बेटा है। कृष्ण जी को बचाने के लिए योग माया के रूप में भी बेटी का ही अवतरण हुआ था और बेटी पैदा हुई तब कृष्ण जी गोकुल पहुंचे थे। तो बेटियां तो सब जगह पुरुषों को सुरक्षित करने के लिए हैं, तो हमें बेटियों का स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। बेटी और बेटा बराबर हैं, जब बेटी होगी तभी हम बेटे के बारे में सोच सकते हैं। दोनों को जब ईश्वर ने एक साथ पृथ्वी पर पहुंचाया तो हम मानव कौन होते हैं उनके बीच में क्लासिफिकेशन करने वाले। आपने बड़ी अच्छी बात कही है प्रतिभा जी, आपने नारी को के गौरव और उसकी प्रेरणा आपने प्राचीन भारत से लिया, जिसमें कि हमारी यशोदा माँ थी, जिसमें कुंती थी और जिसमें देवकी माँ थी। आज भी सारा संसार उनको माँ से ही पुकारते हैं क्योंकि उनका भाव जो था वो बहुत ही प्रबल था और उनका जो त्याग था वो सिर्फ भाव की वजह से था। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आज अपने समाज में इस कुछ भाव की कमी हो गई है, इस भाव का अभाव हो गया है, ये भाव फिर से जागृत होना चाहिए, लोग एक दूसरे को सहयोग नहीं करते। जैसे कि आपने बताया कि आपको प्रेरणा मिली, आपका संघर्ष प्रारंभ हुआ उन दो बच्चों को देख करके, उनकी माता को देख करके, ये क्या आम लोगों के अंदर जागृत होना चाहिए और अगर होना चाहिए तो ये कैसे हो सके, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि और लोगों में भी होना चाहिए, ये मानवीय है और होना भी चाहिए। अगर हमें कहीं पीड़ित व्यक्ति या उदास व्यक्ति अकेला खड़ा हुआ मिलता है तो अगर दो मिनट खर्च करके हम उससे पूछ लें कि आपको क्या परेशानी है तो बहुत आसानी से निदान हो जाता है। लेकिन आज स्वार्थपरता इतनी हावी हो चुकी है कि हम उस व्यक्ति के बारे में सोचते ही नहीं है, हम जल्दी में रहते हैं। तो वो जल्दी का जो कारण है उस वजह से भी आज ये हो रहा है। आप अगर प्रेम की बात करते हैं, प्राचीन युग के प्रेम की बात करें और आज के प्रेम की बात करें, आज का जो प्रेम है वो स्वास्थ्यपरक प्रेम है और जो प्राचीन प्रेम था वो प्रेम त्याग और बलिदान का प्रेम था। अगर आप राधा कृष्ण के प्रेम की बात करें तो नारी का गौरव है,
सम्मान है राधा, भक्ति एवं प्रेम की प्रतिमान है राधा, कृष्ण की महिमा का गुणगान है राधा, बरसाने की भूमि पर विराजमान है राधा, बरसाने की भूमि पर विराजमान है राधा। राधा के और कृष्ण के प्रेम से प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि किस तरीके का प्रेम था। बिल्कुल स्वार्थ रहित प्रेम था। कृष्ण की बंसी बजी नहीं कि राधा जी बरसाने से चल करके और वृंदावन आ जाती थी। आज मोबाइल का जमाना है, टेक्निकल का जमाना है, तो भी हम इतनी सारी बाधाओं को पार करते हैं और अपने को छुपते छुपाते हैं, लेकिन राधा जी का प्रेम एक अटूट प्रेम था। समाज को दिशा देने का कार्य था, वो कभी छुपकर नहीं आई। उन्होंने किसी पेड़ के पीछे या इस तरीके की आजकल की जो घटनाएं होती हैं वो नहीं किया। उनका प्रेम सच्चा था और उनके प्रेम में वासना नहीं थी। सबसे बड़ी चीज जो थी वासना नहीं थी। आज का जो प्रेम होता है वो वासना से परिपूर्ण होता है, जिसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं और इल्लीगल इश्यूज होते हैं और वो बच्चे फिर निराश्रित या अनाथ आश्रमों में पलते हैं। और जब राधा और कृष्ण का प्रेम था, इसके साथ ही मीरा का भी प्रेम है। दोनों ने ही त्याग किया और कृष्ण को पाया रुक्मणी ने। तो अगर वो चाहती तो आज किसी स्थितियां पैदा हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हमको प्राचीन इतिहास को भूलना नहीं है, अपनी संस्कृति को भूलना नहीं है। प्रेम करना कोई पाप नहीं है, लेकिन सीमाओं में रहें, दायरे में रहें, अपनी संस्कृति में रहें, तो हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा, हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी और सर्वाधिक सुरक्षित हम स्वयं रहेंगे, चाहे वो पुरुष है चाहे वो। बड़ी अच्छी जानकारी दी जो कि प्रेम के विषय में बताया, किस प्रकार का प्रेम होना चाहिए, प्रेम क्या है, प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है, और प्रेम स्वार्थ रहित होना चाहिए, समाज कल्याण के लिए होना चाहिए, इस विषय में अभी आपने जानकारी दी। तो मैम, इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए हमारा आपसे दूसरा प्रश्न है कि आज जो लोग प्रेम कर रहे हैं उसमें सब कुछ भूल जाते हैं। आपने बताया कि वो दायरा, उनको उनकी सीमाएं उनको याद रखनी चाहिए, उसके बावजूद भी वो लोग कुछ कठिनाइयों में पड़ जाते हैं। आज की महिलाएं बालिकाएं कभी कभी वो सब सही करते हुए भी फिर भी कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो वो कठिनाइयों में पड़ जाती हैं, कभी रोड पे या कभी किसी प्रकार की। तो अगर उनके साथ में इस प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो उसमें कानूनी रूप से उनकी क्या सहायता होती है, या उनको किस प्रकार से जागरूक होना चाहिए? जो बालिकाएं हैं, स्कूल कॉलेज जा रही हैं, कभी कभी कुछ मनचले लोग उनको कुछ इस तरह से व्यंग करते हैं या कुछ परेशान करते हैं, तो वहां वो अपने आप को कैसे बचाएं, क्या करें और कैसे करें, वो थोड़ा सा प्रकाश डालें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, जिसकी आज महती आवश्यकता है। हमारी बेटियां चांद पर पहुंच रही हैं, हमारी बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, वैज्ञानिक हैं, किसी भी क्षेत्र में हमारी बेटियां पीछे नहीं हैं। लेकिन ये दुर्भी संधि है कि उसके साथ भी आज भी उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, और वो एक सामाजिक परिपेक्ष में नहीं किया जाता है। वो कुछ लोग जो करते हैं वो सही लोग नहीं होते हैं, और मैं उन्हें मानसिक विकृत व्यक्ति मानती हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रत्येक पुरुष खराब है, हम भी महिला हैं और हमने जिन क्षेत्रों में अपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं उन क्षेत्रों में हमारा पुरुषों से बहुत अधिक पाला पड़ता है और पुरुष हमेशा सहयोगी रहते हैं। क्योंकि जब मैं एजुकेशन के क्षेत्र में थी तो उस वक्त बहुत कम लड़कियां वकालत में जाया करती थी, शिक्षा के लिए भी दो या तीन होती थी, अधिकतर पुरुष होते थे, हम लोग को पूरा संरक्षण मिला। उसके बाद हम वकालत के क्षेत्र में आए, आज बहुतायत हो गई है, लेकिन दो या चार लड़कियां होती थी तो हमें सबने सहयोग किया। लेकिन अगर आप जैसे रोड पे देखें या कहीं देखें तो कुछ मनचले होते हैं, जो सामाजिक प्रकृति के लोग होते हैं, तो वो फप्तियां कसते हैं। एक दृष्टि जब आज से कुछ समय पहले का था, तो उस टाइम जैसे किसी ने फप्ती कसी तो हम लोग भी पलट के जवाब दे दिया करते थे और वो व्यक्ति वहीं चुप हो जाता था। लेकिन आज परिवेश बदला है। अगर आज आपने उस फप्ती का या उस जवाब दिया या आप चुप रह गए तो उसके साइड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं, या आपने पलट कर प्रतिवाद अधिक तरीके से किया और आपकी पारिवारिक बैकग्राउंड उसको मालूम है, तो उसका खामियाजा बेटी को ही भुगतना पड़ता है। जैसे या तो उस पर तेजाब डाल दिया जाएगा, इसे मार दिया जाएगा, आजकल बहुत घटनाएं होती हैं। तो उस स्थिति में अगर इस तरीके की कोई घटना हो रही है, पहले फर्स्ट टाइम तो इग्नोर ही करें, लेकिन अगर बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है तो उसकी इग्नोर ना करें, और तुरंत अगर विद्यालय जाते में हो रही है तो प्रिंसिपल को बताएं, और घर आते वक्त हो रही है तो परिवार को बताएं, जिससे परिवार
उनकी सुरक्षा कर सके, और उससे भी ज्यादा अगर हो रही है तो पुलिस प्रशासन को उसकी सूचना दें। और आज टेक्निकल जमाना है तो मोबाइल सभी के पास होता है, तो बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं, तो हम उन हेल्पलाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और एक पैनिक नंबर भी होता है, उस पैनिक नंबर को हम पैनिक ऐप होता है उसको हम अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ जैसे ही आपके साथ दुर्घटना हो रही है और आपने उस बटन को दबा दिया तो जो नंबर आपने सेव किए हैं वो सबसे पहले उस नंबर पर रिंगटोन जाएगी और आपकी सुरक्षा के लिए वहां पर कर दिया जाएगा। और जैसे टोल फ्री नंबर जो होते हैं, जैसे वुमेन्स हेल्पलाइन है 1090 1090, और ये जब निर्भया कांड के बाद हुई थी तो इसमें भी आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल गुप्त रखी जाती है, जो भी पीड़ित महिला होती है उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल गुप्त रखी जाती है। और ये जो सेंट्रल हेल्पलाइन पर जाती है वहां से आपकी पूरी समस्या को सुना जाता है और आपकी लोकेशन देख करके जो नियरेस्ट थाना होता है उसको सूचना दी जाती है और उसके साथ ही आपको सुरक्षा मिल जाती है। इसके साथ ही एक हेल्पलाइन और भी है जो पहले 100 थी, उसको कन्वर्ट कर दिया गया प्रियंका रेड्डी के बाद में, जब प्रियंका रेड्डी के साथ में दुर्घटना हुई तो उसके बाद में उस हेल्पलाइन को 112 में कन्वर्ट कर दिया गया और उसको पिक एंड ड्रॉप नाम दिया गया। उसमें यह हुआ कि जैसे प्रियंका की गाड़ी खराब हो गई तो उसको कोई हेल्प नहीं मिली थी, तो पिक एंड ड्रॉप का मतलब है कि आप अगर 9 बजे के बाद कहीं पर भी हैं और आपको कोई साधन नहीं मिल रहा है तो आप इस मोबाइल वैन इस पर 112 पे सूचना करेंगे तो मोबाइल वैन आएगी और आपको वहां से पिक करेगी और आपको जिस डेस्टिनेशन पर जाना है, घर जाना है या हॉस्टल जाना है या कहीं भी जाना है, वो वहां छोड़ेगी। लेकिन इसके साथ एक विशेष कार्य और था इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है और इसको डायल करने से पहले महिलाओं को और बेटियों को सोचना चाहिए। जैसे ही हम 112 नंबर को डायल कर रहे हैं तो मोबाइल वैन आती है तो हमको ये देखना है कि उसमें, क्योंकि बेटी ने कॉल किया है तो उसमें महिला अधिकारी है या नहीं, महिला कांस्टेबल है या नहीं। अगर महिला कांस्टेबल है तभी आप उस वैन का प्रयोग करें, अन्यथा की दृष्टि में नहीं। ये कंपलसरी है कि अगर बेटी की कॉल आएगी तो पुरुष के साथ में उसमें महिला अधिकारी का होना कंपलसरी है, तभी वो उसको पिक एंड ड्रॉप करेगी। और इसके साथ में एक हेल्पलाइन और भी है 181, ये भी महिलाओं के लिए है और ये भी उनकी सुरक्षा के लिए है। ये उस स्थिति में प्रयोग होती है जैसे महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या उसके साथ मारपीट की गई है या तेजाब प्रकरण किया है, तो महिला जब इसको करेगी तो पूरी एम्बुलेंस आएगी जिसमें पुलिस अधिकारी भी होंगे, इसमें मेडिकल फैसिलिटीज भी होगी और 2 काउंसलर भी होंगे जो उसके साथ में बीच में काउंसलिंग भी करते जाएंगे और उसे सुरक्षित घर पहुंचाएंगे, और ज्यादा इंजर्ड है तो हॉस्पिटल प्राथमिक चिकित्सा के बाद उसको करेंगे। तो इस तरीके की हेल्पलाइनें हैं। इसके साथ ही छोटी बच्चियों के लिए भी कानूनी सुविधा प्राप्त है, उसमें है 1098 और उसमें पूरी तरीके से उसमें भी यही है। और 1098 केवल बेटियों के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए है जो कि जुबेनाइल जस्टिस एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन 2000 में बना था। इसके तहत 2 तरीके के बच्चे आते हैं, केयर एंड प्रोटेक्शन देखभाल और संरक्षण वाले बच्चे। जैसे आजकल हमारे यहाँ कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, मान लीजिए यहाँ कोई बच्चा बिछुड़ जाता है तो वो 1098 को करके और अपने परिवार के पास पहुंच सकता है। इसी के साथ 2 तरीके के बच्चे और आते हैं इसमें, वो ये हैं जैसा मैंने पहले आपको बताया कि उनको छोड़ दिया जाता है तो उनको केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। और दूसरे बच्चे जो आते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ में वो बच्चे आते हैं जिन्होंने कोई अपराध कारित किया है। तो उसके साथ में कई बार क्या होता है कि जैसे ही किसी छोटे बच्चे ने जिसकी आयु 18 वर्ष पूरी नहीं हुई है उसने कोई अपराध किया है तो कहना क्या शुरू कर देते हैं कि अभियुक्त है। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद हम उस बच्चे को अभियुक्त नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बच्चा है, जाने अनजाने में भी हुआ है तो हमको उसको संरक्षण देना है, उसको सुरक्षित करना है और उसको सुधारना है। तो अभियुक्त कहेंगे तो उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है, इसलिए उसको अभियुक्त नहीं कहेंगे, उसको अपचारी कहेंगे। और उसको अगर वो पकड़ा भी जाता है तो उसको पुलिस स्टेशन नहीं रखा जाएगा, जो संरक्षण गृह है वहां रखा जाएगा। और पुलिस भी जब पकड़ने आ रही है तो सिविल ड्रेस में होगी, वो प्रॉपर पुलिस की यूनिफॉर्म में नहीं होगी जिससे बच्चा डरे नहीं। तो इस तरीके की चीजें इस कानून में प्रावधान की गई हैं और इन कानूनों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो बहुत बच्चे इससे लाभान्वित होते हैं। और मैंने ऐसे अनेकानेक बच्चों को लाभान्वित किया है जो कि जब मैं हेल्पलाइन बताती हूं तो जैसे बाल विवाह जब होता है बेटियों का तो वो स्वयं से या तो इस हेल्पलाइन पर बताती हैं, नहीं तो मैं बेटियों को अपना व्यक्तिगत नंबर भी देती हूं। और वृंदावन में ही तकरीबन मैंने 15 या 20 बेटियों को बाल विवाह से स्थगित कराया। मैं रोकना नहीं कहती हूं, क्योंकि क्या होता है आपने कहा कि हमने बाल विवाह रोका,
तो बेटी भी आपके लिए अग्रेसिव हो जाएगी और उसके परिवार भी हो जाएंगे। तो हम उन लोग को समझाते हैं कि हम रोक नहीं रहे हैं, आप अपनी बेटी का विवाह करिए, हम स्थगित कर रहे हैं। स्थगित का मतलब है कि जो आयु उसकी नहीं है वो मेजोरिटी में पहुंच जाए और विवाह की आयु को पूरा कर ले, तब उसका विवाह करिए। तो उस तरीके से अगर हम समझाते हैं तो समझ में आता है और उस तरीके से हमारी एक बेटी बचती है, एक परिवार बचता है। तो इस तरीके के काम होते हैं। तो हमें कानून का सहारा सदैव लेना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि पुलिस हर जगह बुरी नहीं होती है, प्रयोग करने का तरीका बुरा होता है। अगर हम गुड फेथ में किसी काम को कर रहे हैं तो हमें सफलता निश्चित मिलेगी। अभी जैसे दीदी आ रही थी तो हम चर्चा कर रहे थे कि मेले में पुलिस की सुरक्षा कैसी है और कैसे हेल्प करती है, तो वही चर्चा हो रही थी कि अब अगर हम तरीके से उनसे हेल्प मांगते हैं तो वो हमें देती हैं, और हम जबरदस्ती कर रहे हैं कि इस रास्ते पे वाहन नहीं जाना है और हम घुसा रहे हैं, तो फिर वो डंडा तो चलाएंगे ही चलाएंगे। अगर हमने जो रास्ते उन्होंने डाइवर्ट किए हैं उन्हीं रास्तों से जाएंगे तो पुलिस भी आपको सहयोग करेगी और आपको लाभ भी होगा। हाँ मैडम, अब इसी संदर्भ में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आज के समय में बालिकाओं को, महिलाओं के स्वावलंबन हेतु कानूनी रूप से क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, सरकार क्या क्या मदद कर रही है महिलाओं बालिकाओं के को सशक्त करने के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए, इस विषय में आपने बहुत ही अच्छी और रोचक जानकारी दी, जिसको लेने के बाद में बच्चे अपना आगे का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, आगे जो शिक्षा का मार्ग है या फिर और भी जो उनका लक्ष्य है, जो लक्षित मार्ग है उसको प्रशस्त करने के लिए इसका सहयोग लेकर के वो कार्य कर सकते हैं। अब मैं मैडम आपसे जानना ये चाहूंगी, आपके प्राचीन काल से कुछ आप ब्रजमंडल के प्राचीन नाड़ियों के विषय में कुछ इस प्रकार की और जानकारी दीजिए, जिससे कि और प्रेरणा ली जा सके, जो कि ये हमारे जो योगी जी हैं, मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी, उन्होंने जो नारी सशक्तिकरण का अभियान चालू किया है, उस अभियान को और आगे बढ़ाने के लिए, कि पौराणिक कथाओं से जोड़िए कि महिलाएं किस प्रकार से पुराने पौराणिक कथाओं से प्रेरणा ले सकती हैं और किस प्रकार से अपने परिवार को आगे बढ़ा सकती है और जोड़ के रख सकती है। आजकल देखा जा रहा है जो कि परिवार खंडन का, बहू आई तो सास बाहर चली गई या उनका पूरा सम्मान नहीं हुआ, तो ये सम्मान किस कारण से, किस अभाव से नहीं हुआ या फिर किस प्रकार से बनाए रखना चाहिए, उस विषय में थोड़ा सा आप प्रकाश दें। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारा हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यमुना जी का भी बहुत महत्व है और यमुना जी ने भी बहुत लोगों को तारा है, और कहते हैं कि यमुना महारानी कृष्ण की पटरानी थी और यमुना जी का एक बार आचमन करना ही जीवन को आनंदित करने वाला होता है। तो प्राचीन काल में अगर हम देखते हैं तो कालिया का भी प्रभाव था और उसने पूरी यमुना जी पर कब्जा कर रखा था और उनको दूषित कर रखा था। तो भगवान कृष्ण ने खेलते खेलते उनका उद्धार करने के लिए, उनको स्वच्छ करने के लिए अपनी बॉल उसमें फेंक दी, और जब उसको मारने के लिए गए तो उनकी जो रानियां थीं, नागिन जो थीं कालिया नाग की, उन्होंने उनसे प्रार्थना की और उन्होंने कालिया मर्दन करके यमुना जी को सुरक्षित किया। तो आज भी पुनः भगवान कृष्ण को अवतरण लेने की आवश्यकता है और कुंभ का मेला उस किनारे पर लगा हुआ है। तो आज जो असामाजिक रूप से कूड़ा कचरा डाल करके यमुना जी में नाले मिला करके यमुना जी को प्रदूषित जो हम कर रहे हैं, उसको सुरक्षित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही आपने जैसा कहा कि महिलाओं के जब शादी होती है तो बहू घर में आती है तो सास बाहर निकल जाती है, ये थोड़ा सा हम देखें अगर उस परिपेक्ष में जाएं तो सास की भी कमी होती है और बहू की भी कमी होती है, और उसके साथ साथ सर्वाधिक कमी जो होती है बेटी की माँ की होती है। जैसे ही सास के पास में बहू आती है तो हमें बेटा प्रिय है, बहू क्यों नहीं प्रिय है? बहू हम किसके लिए लाए हैं? बेटे के लिए लाए हैं। मैंने बचपन में एक शादी में मैं गई थी तो वहां मैंने देखा कि जैसे ही बहू ने गृह प्रवेश किया और वो बैठी तो सास ने कहा, अरे ये बैठेगी काय पे, मायके ते सोफा तो लेके ही ना आई। तो एक बाल मन में प्रभाव हुआ, मैंने मम्मी को पूछा, मैंने कहा मम्मी क्या भाभी जो आई है वो सोफे पे ही बैठेंगी सारे दिन, घर में काम धाम नहीं करेंगी? तो जैसे बच्चे को झिटक दिया जाता है तो मुझसे भी कहा गया कि जाओ तुम खेलो बच्चों के साथ में, कोई बात नहीं।
लेकिन वो चीज एकदम दिमाग में घुसती गई और जब कानून की शिक्षा प्राप्त की, जब दहेज प्रतिषेध अधिनियम को पढ़ा, तब उसमें जाकर के समझ में आया कि जो दहेज में चीजें आती हैं उनका ताना दिया गया था। तो हमें कभी भी आते ही जैसे बहू आई है तो ये ताना नहीं देना चाहिए। जब हम ये ताना देंगे तो बहू फिर सास के प्रति अपेक्षा नहीं रखेगी। ऐसे ही होता क्या है, बहू को भी सोचना चाहिए कि 25 साल या 20 साल का बेटा जिसके साथ उसकी शादी हुई है उसको अगर माँ आवाज दे रही है तो बहू को भी बड़ा बुरा लगता है कि मैं आ गई हूँ फिर भी माँ और बहन बात कर रही हैं। विवाद का कारण वहीं से उठता है। जैसा मैं आज काम कर रही हूँ इन परिवारों को जोड़ने के लिए तो अक्सर यही बातें आती हैं। और सबसे बड़ा वायरस जो जब आता है परिवार के विघटन में, दो लोगों का आता है। पति पत्नी पे आरोप लगाता है कि ये अपने जीजा से बात करती है, इसका इसके साथ में अवैध संबंध है। और पत्नी आरोप लगाती है कि इसका भाभी के साथ अवैध संबंध है। तो यह जरूरत होती है उस चीज को समझने की और समझाने की। अब दूसरा व्यक्ति जो होगा वो तो तुरंत उसका साइड इफेक्ट लेगा और उनको भड़काना शुरू कर देगा, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग उनको समझाते हैं कि देखिए अगर जीजा जी हैं तो वो आपसे पहले बड़ी बहन की शादी हुई, ये छोटी थी, आते जाते रहे तो स्वाभाविक है कि इनका अट्रैक्शन रहा होगा। और जैसे ही लड़की को भी यही बताने का प्रयास करते हैं कि ये भाभी है तो भाभी भी आपसे पहले आई तो देवर को आदत पड़ी हुई है कि भाभी जरा पानी लाना, इसमें उसके अवैध संबंध कहां से हो गए। भाई भाभी से उसने पानी मांगा, आप जाइए पानी भर के दे दीजिए और उनको कहिए कि अब मैं आ गई हूं, अब आप अपनी आदतें बदलिए। तो अगर जब हम इस तरीके की बातें करते हैं तो निश्चित तौर पर एक परिवार बच सकता है। लेकिन यही बातें जब पड़ोसियों में जाती हैं तो वो नमक मिर्च लगा के और कहते हैं कि हाँ इसको तो हमने देखा ये भाभी को ही लेके जाता है, इसको तो हमने देखा है जीजाजी के ही साथ घूमती है, तो परिवार टूटने के कगार पे चला जाता है। इसी तरीके से सास बहू का रिश्ता होता है, सास मंदिर में जाएगी, मंदिर के दर्शन कम करेगी, बहू की बुराइयां ज्यादा करेगी, बहू अपनी सहेलियों में बैठेगी, बातें कम करेगी, सास की ज्यादा। इसके साथ ही आजकल मोबाइल का जमाना है, बहू सब्जी बना रही है, माँ का फोन आ गया, बहू ने सब्जी छोड़ दी, जले या कुछ भी, माँ ने बात करी, क्या कर रही है, रसोई में काम कर रही है, क्यों तेरी सास का कर रही है, सास ना कर सके संग में, तू ही नाते जाके काजे भेदी है, इतना पैसा दियो है, बस विवाद वहीं से शुरू हो जाते हैं। लेकिन पहले हम कर्तव्यों का पालन करें फिर अधिकारों की मांग करें तो सास को भी अच्छा लगेगा और बहू को भी लगेगा। और सास को भी चाहिए कि जो 20-25 साल अपने परिवार में रहकर आइए उसकी आदतों को बदलने में थोड़ा सा तो समय लगेगा। दोनों का जो कम्युनिकेशन है उसको स्थापित करें। जिस तरीके से हम अपनी बेटी के लिए ये चाहते हैं कि वो सुखी रहे, तो हम जो दूसरे की बेटी आ रही है उसके भी सुख की कल्पना करें और उसको सुख दें, तो हमारी बेटी तो सुखी होगी क्योंकि वो देख रही है कि मेरी माँ ने बहुत अच्छा किया भाभी के साथ में, तो वो भी वैसा ही व्यवहार करेगी। और बहू को भी चाहिए कि अपनी माँ को छोड़कर आ रही है और जिसने अपना बेटा जो 25 साल तक बड़ा करके तुमको सौंपा है उसके साथ आज कानून मिलने लगे हैं, बेटियों को कानून में संपत्ति में अधिकार मिलने लगे हैं, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था कि माँ की संपत्ति में या पिता की संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में बेटियों को अधिकार हो। संपत्ति में अधिकार या किसी चीज का अधिकार जो मिलता था वो पति के घर जाकर मिलता था। तो पति के घर को अपना घर समझोगे तभी तो आपको अधिकार मिलेंगे। केवल हम जाते ही अधिकारों की मांग करने लगे और सास से कहें सास तू हट जा चाबी हमें दे दे, तो कैसे संभव है। इसलिए सामंजस्य की स्थापना करें। और प्राचीन युग में देखिए किसी भी उसको उठा के देख लीजिए, माता कौशल्या, सुमित्रा, इन सबको उठाकर देखें, इन्होंने बहू के बारे में क्या प्रतिमान स्थापित किए हैं। और दशरथ जी का तो मुकाबला ही नहीं है, जब सीता जी का विवाह हुआ था और दशरथ जी ने उनको दान दहेज दिया तो वो उसको वहीं बांट आए, और जब चारों बहुओं को लेकर के आए तो अपनी पत्नियों से कहा कि बधु लड़किनी पर घर आई राख होता है पुत्र की नाई। तो जब हमारी संस्कृति ये है कि बधु लड़किनी पर घर आई, दूसरे की बेटी हमारे घर में बधु बनकर के आई है, तो उसको उस तरीके से रखो जैसे पुतली को पलकों के बीच में रखा जाता है। तो वही था कि जब उन्होंने आकर के ये संदेश दिया तो जब राम जी बन को गए तो सीता जी स्वयं ही चल दी, और किस बिछो में माता पिता किस तरीके से रहे भाइयों के साथ में। तो हमारा इतिहास तो बहुत इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं तो बड़ा कष्ट होता है। आश्रय सदन है,
जिसमें कि अखिल भारतीय महिला परिषद को आदरणीय दीदी चला रही हैं, वहां पे भी निराश्रित महिलाएं भी रहती हैं, माताएं भी रहती हैं, और जब हम उनकी काउंसलिंग करते हैं या जब कोई निराश्रित माता हमें सड़क पर मिलती है और पता लगता है कि बेटे बहू ने निकाल दिया, तो बहुत कष्ट होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उन महिलाओं के लिए काम करने का सौभाग्य मिल रहा है, लेकिन हम आपके इस चैनल के माध्यम से समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जितना बड़ा घर बना रहे हैं उसमें एक कमरा माता पिता सास ससुर और बड़े बुजुर्गों के लिए रखें तो बहुत अच्छा होगा। और वृंदावन की तो भूमि ही ऐसी है जहाँ की महिलाओं ने गौरवपूर्ण ख्याति यहाँ पर रही है, ब्रज मंडल के नारी गौरव रहा है, जिसमें एक नाम मैं लेना चाहूंगी डॉक्टर कमला घोष जी का। उन्होंने भी एक ब्रज गौरव स्थापित किया है और उनकी साधुता और शिक्षा से कौन नहीं जानता। अनेकानेक बच्चे उन्होंने शिक्षित करके बहुत बड़े पदों पर आसीन किए। और जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं सुनती थी कि वो पश्चिम बंगाल से आने वाली महिलाओं के लिए बहुत अधिक काम करती थी और बहुत उन्होंने काम किया है। तो ऐसे निराश्रित और विधवाओं की पेंशन और रहने की व्यवस्था करवाई, तो ये ब्रज मंडल तो उनकी ख्याति से भरा पड़ा है। यहाँ रोज एक नई गौरव की स्थापना होती है। इसी श्रृंखला में एक नाम और मैं लेना चाहूंगी कि हमारे देश की नारियों ने तो गौरव ब्रज में किया ही किया है, लेकिन विदेश से आई हुई नारियों ने भी हमारे देश में गौरव स्थापित किए हैं, जिनमें कि सुदेवी जी का नाम चर्चित है। और सर्वोच्च जो सम्मान हमारे देश का है, उन्होंने पद्मश्री प्राप्त की है, और वो भी किस क्षेत्र में, श्री कृष्ण की जो प्रिय थी गौ माता, उनके संरक्षण और संवर्धन में, तो उनको पद्मश्री मिली और वो विदेश की भूमि को त्याग कर उन्होंने हमारी ब्रज की भूमि को अपनाया है और यहाँ वह रह रही हैं, तो उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। तो देश की ही महिला नहीं, विदेश की महिलाएं भी हमारे देश में आकर के रह रही हैं, अन्य प्रदेशों की भी रह रही हैं। बिहारी जी पर जाइए, एक महिला है जो निस्वार्थ भाव से अपना घर सब कुछ बेच करके और दर्शनार्थियों तीर्थयात्रियों की चप्पलों की सुरक्षा करती हैं और बिल्कुल निःशुल्क करती हैं। तो ये ब्रज तो पावन है और इसकी पुण्य भूमि में बहुत लोग कार्य कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में अगर हम बात्सल्य ग्राम की दीदी माँ रितंबरा की भी चर्चा करें, तो वो भी अपने आप में निराश्रित और अनाथ बच्चों के लिए काम कर रही हैं और वहाँ अनेकों बच्चे संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और उनका लक्ष्य भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि केवल बच्चों को शिक्षित ही नहीं कर रही हैं, इसके साथ जो बच्चे शादी करना चाहते हैं तो उनकी शादियाँ भी वो कराती हैं, तो उनका भी एक प्रकल्प चल रहा है। तो इस तरीके से हमारा ब्रज मंडल अपने आप में गौरवमयी है और यहाँ की गौरव गाथा नारियों के रूप में कहें तो अतिशयोक्ति ही होगी। रोज नई यहाँ पे कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। बहुत ही उपयोगी जानकारियां भी आपने दी और महिलाओं के संबंध में वो बातें बताई जो शायद हमें भी नहीं पता थी। ब्रज मंडल विशेष रूप से महिलाओं के, क्योंकि हमने जो विषय हमारा जो आज का है नारी गौरव की पुण्य भूमि ब्रज मंडल, तो ब्रज में प्राचीन समय से महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किए जा रहे हैं। देखिए, रस की भूमि है वृंदावन, प्रेम की भूमि है वृंदावन, तो वृंदावन से जो भी महिलाएं आती हैं उनको हम उनको कितना प्रेम दे सकते हैं, उनको हम कितना स्नेह दे सकते हैं, अपनत्व प्रदान कर सकते हैं, वो अपनत्व हम देते रहे, यही हमारी शिक्षा का, हमारी समाज सेवा का एक उद्देश्य मुझे लगता है होना चाहिए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब डॉक्टर साधना कुलशेष जी हमारे समक्ष विराजमान हैं। साधना जी भी काफी लंबे समय से, अनेक दशकों से महिलाओं के हित में लगी हुई हैं, उनके हित चिंतन में लगी हुई हैं और उनके संरक्षण के लिए, उनके उन्नयन के लिए, विकास के लिए, संरक्षण के लिए अनेक दिशाओं में प्रयत्नशील है, कार्य कर रहे हैं। ममता जी, हम इनसे कुछ थोड़ी सी चर्चा करें। आज जो कार्यक्रम है नारी गौरव की ब्रजभूमि ब्रजमंडल, तो इस संदर्भ में आपसे चर्चा चल रही है। आप से सबसे पहला सवाल ये है कि आप बताएं कि आप महिलाओं के उन्नति के कार्यों में किस प्रकार से और कैसे संलग्न हुई, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली जो कि आप इस प्रकार के कार्य में जुड़ सके। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। मैं, जैसा मेरा नाम तो आपको पता ही है, मैं यहाँ 84 में आई थी और उस टाइम में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गई और वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए गई, तो वहाँ पर एक ही शब्द मुझे सुनाई पड़ रहा था कि वृंदावन के वृक्ष को
मरम न जाने कोई और डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो, हर जगह राधा राधा राधा, रिक्शे वाला तो राधे कह के अपनी बात कह लेता है। यानी ब्रज में ऐसा मुझे लगता था कि हर कोई अपनी बात को दूसरे तक, भावनाओं को पहुंचाने के लिए राधा शब्द का ही प्रयोग करता है, तो पूरा राधामय मुझे दिखाई देता था कि यहाँ राधा नाम, राधा शक्ति जो महिला शक्ति है वही सर्वोपरि है। सो जब बिहारी जी मंदिर पे गई तो देखा कि कुछ महिलाएं वहां बैठी हुई है और वो महिलाएं भिक्षावृत्ति कर रही हैं और उनकी एज 30 साल से लेके और 60 70 80 साल तक रही। परिक्रमा मार्ग में गई, वहां भी मुझे यही दिखाई दिया। फिर मैं रणजी के सामने से निकल रही थी तो कुछ परदेशियों के सामने भिक्षावृत्ति करती करती महिलाएं गई तो उन्होंने उनको धक्का दे दिया और वो वहां गिर गई। उस टाइम मेरा पीएचडी नहीं था, मैं सिंपल एमए थी और यहाँ बनमहाराज कॉलेज में लेक्चरर सोशियोलॉजी की थी। सो बस वहीं से मेरी शुरुआत हो गई कि मैं महिलाओं के लिए काम करूंगी और महिलाओं की पीड़ा को समझने की कोशिश करूंगी। तो मैंने सब्जेक्ट लिया कि ब्रज वृंदावन में निराश्रित महिलाओं की पुनर्वास की समस्याएं, क्योंकि जब मैंने जाके देखा तो वास्तव में आंखों में आंसू आ जाते थे कि बुल्की दीनहीन अवस्था में रहा करती थी, रहने की बहुत ही गंदी और सड़न और सीलन भरी कोठरियों में वो निवास करती थी, लेकिन फिर भी खुश थी राधा के नाम से। तो वहां से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं ये काम शुरू करूंगी और मैंने फिर अपनी पीएचडी कंप्लीट की। पीएचडी करने के बाद भी मन नहीं भरा क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट से जुड़ी हुई थी। मैंने 500 महिलाओं का अध्ययन किया, उनकी सामाजिक, उनकी आर्थिक, उनकी राजनैतिक, उनकी सांस्कृतिक, उनकी धार्मिक परिस्थितियों का पूरा अध्ययन किया, तो बहुत ही दयनीय स्थिति थी। उस दयनीय स्थिति से मुझे लगा कि मुझे और भी अध्ययन करना है। कुल मिलाकर 14 वर्ष मैंने इन महिलाओं पर काम किया। पहले मैंने कुछ बंगाली महिलाओं पर काम किया था, लेकिन उसके बाद मैंने सभी महिलाओं पर काम किया था। अकेली विधवा महिला बंगाली नहीं थी, सभी थी, और निराश्रित महिलाओं में अकेली विधवा नहीं थी, वो लोग भी थी जो कि 20-30 साल की थी या 15 साल से भी शुरुआत थी। तो उनकी जो स्थिति थी, सामाजिक स्थिति, उसे देख के बड़ा मैं आश्चर्य होता था कि राधा रानी की पुण्य भूमि में सब लोग शरणागत होते हैं और ये लोग भी केवल ये सोच के आती हैं, उनसे आज भी अगर पूछो तो बस राधा रानी की कृपा चाहिए, राधा रानी ही रक्षा करेगी, ये सोच के जो आती हैं और ब्रज में ये सोच लेके आती हैं, क्या वो वास्तव में उनकी पूरी होती है? जिस इच्छा को लेके आती हैं क्या वो वास्तव में इच्छा पूरी होती है? नहीं। बहुत सी ऐसे प्रश्न हैं जो कि दबे रह जाते हैं या दबा दिए जाते हैं। आज से 550-600 वर्ष पूर्व जब चैतन्य महाप्रभु आए, उस टाइम यहाँ पूरे ब्रज वृंदावन के चारों तरफ घना वृंदा देवी का वन था। और मैं पौराणिक महत्व की अगर बात करूं तो तुलसी का बहुत पवित्र मानी गई है और तुलसी का अपना एक स्थान है ब्रज वृंदावन में। आज के परिवेश में महिलाओं को, चाहे वो लड़कियां हो या 40 वर्ष की हो या 60 वर्ष की हो, उन महिलाओं को अगर शिक्षा लेनी है तो तुलसी से लें। तुलसी एक राक्षस कुल में जन्म हुई, वृंदा नाम से राक्षस कुल में जन्म हुई, पली बड़ी, लेकिन बचपन में वो विष्णु भगवान की परम भक्त थी, लेकिन बाद में उनकी शादी राक्षस राज जालंधर से हुई। अत्यंत पतिव्रता नारी थी, सतीत्व की रक्षा करती थी। जब देवता और दानवों में लड़ाई हुई तो वो ये कहकर बोली कि मैं बैठ रही हूं तब पर आपको कोई हरा नहीं सकता, मेरे सतीत्व में इतनी रक्षा, इतनी शक्ति है। वो चले गए और विष्णु भगवान ने छल किया। जब देवता हारने लगे, देवताओं ने प्रार्थना की, विष्णु भगवान ने छल किया, वृंदा देवी के सामने वो जलंधर बनकर आ गए। जलंधर को उनका तप भंग हो गया, जलंधर को मार दिया गया। वृंदा देवी ने अपने सतीत्व भंग हुआ था क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण स्पर्श कर लिए थे। उन्होंने कहा, मैंने जिनको स्पर्श किया है वो कौन हो, आप कौन हो? भगवान अपने स्वरूप में आ गए तो उन्होंने उनको तुरंत ही कहा कि आप पाषाण के हो जाओ। तब वृंदा देवी में इतनी शक्ति थी और अपनी आत्मरक्षा करने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए वो भगवान तक को श्राप दे सकती थी और भगवान पाषाण के हुए, भगवान ने भी प्रायश्चित किया। तो आज की महिला को वहां से सीख लेनी चाहिए कि अपने सतीत्व के, अपने नारीत्व जहां भंग होता है, जहां हमारी रक्षा नहीं हो पाती है, तो साम दाम दंड भेद चारों को अपना के अपनी रक्षा करें, बिल्कुल, लेकिन मर्यादा में रह के, लेकिन
मर्यादा में रहके, उसके पास मर्यादा थी, वो एक पति की पत्नी थी और उसके बाद वो अपने पति का सिर लेके सती हो गई, उसमें से एक लहलहाता पौधा निकला जिसका नाम उन्होंने तुलसी रखा और भगवान विष्णु ने कहा कि तुलसी के साथ सदा सालिग्राम की पूजा होगी, उन्होंने उनको मान दिया और आज भी शायद वृंदावन में तुलसी और सालिग्राम जी की विवाह होता है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम वहां से शिक्षा लें तो वास्तव में अगर किसी का सतीत्व या किसी का नारीत्व भंग भी होता है तो उसको जरूर से सम्मान मिलना चाहिए और रक्षा करना भी वृंदा से सीखना चाहिए। उसके अलावा अगर आप यमुना महारानी के देखें तो ब्रजमंडल का उद्गम अगर यमुना के किनारे हुआ है तो ब्रजमंडल के तो उद्गम में ही नारी का स्थान है, तो उनसे उनकी जैसी निर्मलता, उनका जैसा अपनापन, उनका जैसी शक्ति, उनका जैसा तेज वेग अगर सीखे तो यमुना से सीखे। यशोदा मैया की प्रतिभा जी ने बात की, वास्तव में अगर संघर्ष करना सीखे तो देवकी माँ से सीखे, इतने संघर्षों के बावजूद भी उन्होंने अपने संतान को जन्म दिया और एक उचित स्थान पर पहुंचाया। माँ यशोदा ने भी अपने बच्चे को पाला, तो एक माँ का रोल देखना है तो यशोदा मैया और देवकी माँ से देखो, कीर्ति माँ से देखो। अगर आपको बहन का है तो यमुना जी का देखो, यहाँ वृंदावन ब्रज में तो धर्मराज की बहन रही हैं, तो यमद्वितीया पर पर्व मनाया जाता है, तो संबंधों का देखें ना तो यह बहुत ही अच्छा समागम है। वहीं से शुरुआत में पूरा ब्रज घूम घूम के जब मैं बरसाने गई तो बरसाने में भी वही राधा रानी वहां से मेरे मन में आई कि राधा रानी के शरण में ये लोग रहते हैं, तो मैं निश्चित रूप से एक अध्ययन करूंगी, उस अध्ययन के तहत इनके दिल की एक दयनीय स्थिति को अध्ययन करके निकालूंगी कि ये क्यों आती हैं और इनका पुनर्वास कैसे निश्चित हो। उसी श्रृंखला में धीरे धीरे करके मैं अखिल भारतीय महिला परिषद से जुड़ी और अखिल भारतीय महिला परिषद मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला जहाँ के महिलाओं की मैं सेवा कर सकती थी और आज मैं उसकी मेंबर इंचार्ज हूँ। हमारे यहाँ ओल्ड एज होम अखिल भारतीय महिला परिषद का चलता है, ओल्ड एज होम के अलावा शॉर्ट स्टे होम भी चलता है जहाँ के आपकी जितनी भी जिनकी चर्चा थोड़ी सी प्रतिभा जी ने की थी कि कुछ महिलाएं आती हैं वो चाहे पुलिस के द्वारा आए या नारी निकेतन के द्वारा आए या ऐसे समाज सेवियों के द्वारा वहाँ पे भेजी जाए जो कि डेस्टिट्यूट होती हैं और उनका भरण पोषण और संरक्षण अखिल भारतीय महिला परिषद करता है। तो वहां से शुरुआत मेरी हुई और आज मेरी वो लगातार सेवा चल रही है और ऐसी इच्छा है कि जब तक मेरे जीवन है, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, बशर्ते मैं हॉस्पिटल में ना हूं, तब तक इन महिलाओं की मैं सेवा करती रहूंगी और इनके जो भी दर्द हैं, जो भी दुख हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो मेरे बस में है अपने माध्यम से और लोगों के संबंधों के माध्यम से उनके दूर करने की कोशिश करूंगी, सेवा में निरंतर लगी रहूंगी। मैडम ये आप बताएं कि आप जो इन महिलाओं के लिए जो कार्य कर रही हैं, जो उनकी सेवा में लगी हुई है, ये आप कितने वर्षों से लगी हुई हैं और क्या क्या मतलब इसमें सहयोग रहता है? 84 से मैंने शुरुआत की थी, 84 से शुरुआत की, तब से बड़ा दिल दुखता था कि बहुत ज्यादा हमें वेतन नहीं मिलता था, लेकिन उस वेतन में से भी मैं बस यही करती थी कि छोटी 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 जरूरत की चीजें इन लोगों के पास पहुंचाती थी और देखती थी जाके कहाँ रह रही हैं, कैसे रह रही हैं, इनकी स्थिति क्या है। तो एक लंबे समय से 84 से लगा लीजिए कितने साल हो गए मैं लगातार इनकी सेवा करती चली आ रही हूँ। बिल्कुल, वो पहले करती थी मैंने अपनी पढ़ाई की, पढ़ाई में मैंने पहले रखा था पुनर्वास की समस्या, निराश्रित महिलाओं के पुनर्वास की समस्या, जब उसमें कवर नहीं हुआ और लगा कि बहुत कुछ छूट रहा है तो फिर मैंने किया निराश्रित महिलाओं के सामंजस्य की समस्या, तो उसमें एडजस्टमेंट के लिए अध्ययन किया। उसके बाद में AIWC से जुड़ गई, तो AIWC की दो चीजें हैं, एक तो ओल्ड एज होम और शॉर्ट स्टे होम चलता है, उसके थ्रू हम लोग समाज सेवा करते हैं, इन महिलाओं का संरक्षण करते हैं। उसकी कहानी भी बहुत लंबी है, उसे आप सुने तो, लेकिन ये जो अखिल भारतीय महिला परिषद की एक ब्रांच भी है यहाँ जो मथुरा वृंदावन ब्रांच से नाम से प्रसिद्ध है, उसमें हम महिलाओं के लिए जो काम करते हैं वो अलग अलग, शिक्षा के लिए, उनके लिए धार्मिक, उनके लिए आर्थिक, उनके लिए कानूनी सुरक्षा, उनके लिए सांस्कृतिक सुरक्षा और संस्कृति का दूसरे तक पहुंचाना। तो उसके अलावा जो हम काम करते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए,
अच्छा, स्किल डेवलपमेंट एक्चुअली स्किल डेवलपमेंट के लिए एक्चुअली बीच में मैं शुरू कर रही हूँ कि महिला सशक्तिकरण है क्या जी? महिला सशक्तिकरण पुरुष सशक्तिकरण क्यों नहीं बोला जाता है, महिला सशक्तिकरण ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि महिलाओं की स्थिति बीच में काफी दयनीय रही, वैदिक काल में बहुत अच्छी थी, उत्तर वैदिक काल के बाद थोड़ी खराब हुई, तो स्थिति उनकी बदलती रही, तो महिलाओं की स्थिति जब खराब हुई तो जरूरत पड़ी कि महिलाओं को बराबरी का हिस्सा है या महिलाओं की देश काल और परिस्थिति के अनुसार उनकी योग्यता, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति को देखते हुए उनके अंदर एक वो गुण पैदा कर दिया जाए जिससे कि वो अपनी आत्मरक्षा कर सकें और अपने 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 आत्मविश्वास को जगा सकें और कार्य कर सकें। तो ये एक महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि उनको कुछ हम पकड़ा दें कि ये तुम्हारे किताबें हैं इनको पढ़ो, ये नहीं। महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि उनकी योग्यता क्या था, बिना पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और महिला सशक्तिकरण करना है तो उनको हम वो चीजें सिखाएंगे। कोई दरी बनाना जानती है तो कोई पंखे बनाना जानती है, तो कोई लिफाफे बनाना जानती है, कोई रुई की बत्तियां बनाना जानती है, तो कोई भगवान की पोशाक सिल सकती है, कोई सिलाई के थैले बना के, अभी हमने बहुत सारे थैले वितरित किए सिल के, अभी हमने हजारों मास्क वितरित किए, तो उन महिलाओं से सिलवाए जो महिलाएं गरीब हैं और जो महिला सिर्फ सिलाई से अपना भरण पोषण कर सकती हैं उनसे ये काम कराया। तो महिला सशक्तिकरण का मतलब है उनको इतना सशक्त बना दो उनकी स्थिति के हिसाब से कि वो अपना भरण पोषण कर सके और अपनी आवाज को उठा सके। अपने में आत्मग्लानी एक हमेशा एक वर्चस्वता जितनी ऊपर हमारे रही है उस वर्चस्वता को हटा के बराबरी का एक दर्जा दे। अच्छा मैडम, आपने जो बताया ये बहुत अच्छा बताया कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनको छोटी छोटी जो काम वो कर सकती हैं उसमें उनको आगे बढ़ाया जाए। क्या इसमें क्या कुछ सरकार से मदद मिलती है या किस प्रकार से संरक्षण मिलता है, या इसमें ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो उनको सहयोग देती हैं और उनको आगे बढ़ाती हैं, या फिर उनके संरक्षण के लिए जो कार्य किया जा रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है? जो हमारा ARWC की अगर आप बात करें तो देखिए ARWC का भी रिसेंटली भी हमने अपना राल में एक जगह राल है वहाँ पे सिलाई सेंटर खोला है, कोविड के टाइम ही खोला है क्योंकि वहाँ पे जरूरत थी। तो लेकिन उनको जो मशीनें उपलब्ध कराई वो कल्याणम करोती ने कराई, कल्याणम करोती एनजीओ है, राष्ट्रीय एनजीओ है, कल्याणम करोती ने मशीन उपलब्ध कराई और हमने उनको सैलरी हम देते हैं, ARWC देता है, और वहाँ 30 महिलाएं लगभग सीखने आती हैं, सिलाई सिखाते हैं, जिससे कि अब हमें अगर थैलों की जरूरत है तो वहाँ सिलवाएं, मास्क की जरूरत है तो वहाँ सिलवाएं, अगर बैग्स की जरूरत है तो वहाँ सिलवाएं, या अब होली की कैप की जरूरत होगी तो वहाँ सिलवाएंगे। तो वो हमारी सिलसिल के और अपनी भी सिलाई वो सीख जाती हैं। हर 6 महीने पे एग्जाम होगा और एग्जाम होने का उसके साथ हमारा सहयोग किया है सेवा भारती ने, सेवा भारती की तरफ से वो लोग भी काफी हम लोग को सहयोग देते हैं। तो इसके अलावा जिस संस्था से मांगते हैं हमारे यहाँ, जैसे कि हम लोग, हमारी संस्था जो हेड ऑफिस है, हमारा जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली है, 6 भगवान दास रोड, सरोजनी हाउस दिल्ली, सरोजनी नायडू अपने आप में एक बहुत बड़ी समाज सेविका रही हैं। और हमारी जो अखिल भारतीय महिला परिषद है उसको उसकी स्थापना करने में एनिवेसेंट मार्गरेट कर्जन और सरोजनी नायडू वगैरह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो वहां से हम लोगों को ग्रांट मिलती है, जैसे उड़ान एक है महिलाओं के लिए ही है, उड़ान हमारा प्रोजेक्ट है, वो भी महिलाओं को, केवल उन लोगों को जो कि पढ़ सकते हैं उन्हें पढ़ाओ जी, जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ाओ और जो नहीं पढ़ सकते हैं उन्हें सिलाई कढ़ाई बुनाई, फूलों से रंग बनाना, अगरबत्ती बनाना, पेपर मैसी की चीजें बनाना, इस तरह की चीजें सिखाते हैं। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है। अच्छा, इन कार्यों को करने में मैडम कैसे कैसे और क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं जो आप सहयोग करना चाहते हैं और आप खूब करना चाह रहे हैं लेकिन कभी कभी आप विवश हो जाते हैं और नहीं कर पाते हैं, या फिर इच्छाएं तो बहुत हैं लेकिन उस अनुरूप नहीं हो पाता है? उसमें 2-3 तरह की कठिनाइयाँ आती हैं। मेरे अंदर जज्बा है काम करने का, अगले के अंदर जज्बा नहीं है काम करने का, तो उसे जागृत करने में बहुत टाइम लगता है, टीम बनाने में बहुत टाइम लगता है,
टीम के साथ टीम वर्क से ही काम हो सकता है। अकेले आदमी चलता रहेगा लेकिन सक्सेस नहीं होगा, और जो टीम वर्क होता है वही आदमी सक्सेस होता है, ये मेरा अपना अनुभव है, ये मेरा अपना अनुभव है। सो एक तो टीम में से अगर कोई व्यक्ति टूट जाता है, वो काम नहीं करता, वहां थोड़ी दिक्कत होती है। दूसरे अगर किसी ने सपोर्ट की कह दिया कि हम सपोर्ट करेंगे और उसने सपोर्ट नहीं किया तो दिक्कत होती है। अभी कोविड के टाइम तो दिक्कतें हुई है ना, आर्थिक दिक्कत के लिए ये मेरा अपना मानना है कि आपकी इरादा अगर नेक है, ईमानदारी से काम कर रहे हो, मेहनत से काम कर रहे हो, दूसरों की रक्षा करने के लिए कर रहे हो, संरक्षण करने के लिए कर रहे हो, दूसरों को जीवन देने के लिए कर रहे हो, तो आपको हेल्प करने वाले हाथ तो तैयार हैं बिल्कुल काम करने के लिए, वो आपके लिए सदैव आपके हाथ खुले हुए हैं, आपको जरूरत है आगे बढ़ने की। संकल्प अच्छा होना चाहिए। तो मैडम आपने बहुत अच्छी बात कही। अब आप बताएं कि आज के समय को देखते हुए, आज के परिवेश को देखते हुए आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं जिससे कि वो आगे बढ़ें, निर्भीक होके आगे बढ़ें? देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक जो नारा है, जब तक बेटियां पढ़ेंगी नहीं तब तक बढ़ेंगी कैसे? जी ये बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन मैं उसमें ये कहती हूँ कि जब तक बेटियां बचेंगी नहीं तो आगे पढ़ेंगी कब? जी तो सबसे पहले तो उनके संरक्षण की बात होनी चाहिए कि बेटियां बचें, उनको गर्भ में ही मार दिया जाता है। एक वहां एक्चुअल अगर काम करना है तो ग्रास रूट लेवल पे हमको काम करना होगा, जिस तरीके हमें अपना आदर्श मानना चाहिए सरोजनी नायडू को, हर्षा मेहता को, इन सबको अपने अपना एक आदर्श मान के काम करो, और गांव गांव जाके काम करो, जिले जिले जाके काम करो। आपको रियल मायने में जब हमारी मेजर जब अधिक से अधिक जनसंख्या हमारी गांव में रहती है, अधिकांश हमारा हिस्सा जब गांव में रहता है और उनको बराबरी पर लेके आएंगे तो हमें गांव में जाके काम करना पड़ेगा, और हमारी जो ब्रांच है वो गाँव में जाके काम करती है। हम हेल्थ के प्रोग्राम गाँव में करते हैं, हम एजुकेशन के प्रोग्राम गाँव में करते हैं, हम कल्चरल प्रोग्राम भी गाँव में करते हैं। तो गांव गांव में जाके अगर आप काम करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी, चाहे आपको कैंप लगाने हो अवेयरनेस, चाहे कुछ भी करने हो। मेरा ये कहना है कि आत्मविश्वास रखिए, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास है और उस आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए अगर आपको दूसरों से अपनी सुरक्षा करने के लिए किसी भी मार्शल आर्ट वगैरह की भी जरूरत पड़े तो उसको प्रयोग करो। हमारे यहाँ है सेल्फ डिफेंस का एक प्रोजेक्ट है, सेल्फ डिफेंस में हम 5 दिन में उन लड़कियों को और लड़कों को ये तैयार करते हैं कि भाई तुम अपनी सुरक्षा कैसे करो जी? ये तो हमारा अधिकार है अपनी सुरक्षा करना। तो मेरा यही संदेश है लड़कियों को और महिलाओं को कि अपनी सुरक्षा स्वयं करें, अपने आप में आत्मविश्वास जगाएं, निश्चित रूप से आपकी जीत होगी और आप सक्सेस होंगे। संकल्प अच्छा होना चाहिए, दृढ़। अगर महिलाओं का विकास करना है, महिला माने शुरुआत होती है लड़कियों से, तो अगर उनका सही मायने में विकास करना है तो उनकी शिक्षा पे पहले ध्यान देना होगा, उनकी शिक्षा से पहले उनके स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा कि वो स्वस्थ हैं या नहीं। इसीलिए हम लोग इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम हैं उनको करते हैं, उनके हेल्थ कैंप्स लगाते हैं और सारे बॉडी के चेकअप कराते हैं, क्योंकि वो स्वस्थ होंगी तो अच्छे से पढ़ पाएंगी। फिर एजुकेशन, उनका एजुकेशन का ध्यान रखें। और अकेला यही नहीं कि हम एक नारा ले लें कि नहीं लड़कियों की शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन उनके साथ ये भी है कि हम उनकी फैमिली की भी काउंसलिंग करें। गांव में जैसे हमने अक्रूर गांव में काफ़ी काम किया, जमुना नगर में भी काम किया, उधर राल क्षेत्र में भी काम किया, तो उनकी फैमिली की काउंसलिंग की, कम्युनिटी की मीटिंग की, क्योंकि अकेला ये नहीं हो सकता कि हम केवल ये नारे लिखवा दिए जाएं, स्लोगन लिखवा दिए जाएं कि लड़कियों के लिए शिक्षा जरूरी है, और आधे से लोग तो भेज ही नहीं रहे, और वो अपनी अपनी जो प्रॉब्लम बता रहे हैं पेरेंट्स वो है कि हमारे यहाँ कोई काम करने वाला नहीं है, महिलाएं जब खेत पर जाती हैं तो लड़कियां बच्चों को रखती हैं, तो उनकी तो जायज़ है बात, लेकिन जब उनको उनकी काउंसलिंग करते हैं कि ये करने से आपको ये मिलेगा और बच्चियों को पढ़ाने से ये मिलेगा, आप बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करिए, तो उससे बहुत फर्क पड़ा और काफ़ी मात्राओं में बच्चियों ने स्कूल आना शुरू किया। तो शिक्षा हो और प्रैक्टिकल शिक्षा हो,
उसके साथ साथ एक जिक्र मैंने किया था स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट जरूर सिखाना चाहिए अगर आपने, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बच्ची हाई स्कूल कर ले, इंटर कर ले, बीए कर ले, एमए कर ले, टेक्निकल कर ले, जरूरी नहीं है। जो पढ़ने में होशियार हैं, जिस लाइन को भी पसंद करते हैं उसमें आगे आप उनकी काउंसलिंग करते रहिए, उनको आगे बढ़ाइए। लेकिन जो पढ़ने में नहीं है, जो किसी के पास कोई भी आर्ट है, कोई भी कला है, उसको उसमें निकालिए। उसमें निकालने के बाद उनको जीविकापार्जन के साधन उनके पास होंगे, तो खुद पे भरोसा रखें महिलाएं, खुद पे भरोसा रखें लड़कियां, और आगे बढ़े जी। अपनी सुरक्षा करें, अपनी सुरक्षा उनके अपने हाथ में है जी। और अधिकारों का प्रयोग करें जी। जो कानूनी अधिकार दिए गए हैं सरकार की तरफ से, उन अधिकारों का प्रयोग करें। अधिकांश जो महिलाएं हैं वो अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाती, कानूनों का प्रयोग नहीं कर पाती, एक हिचक उनके अंदर होती है। तो वो हिचक चाहे पिता की हो या पति की हो या भाई की हो, उन्हें डर लगता है कि अगर मैंने कानून का प्रयोग किया तो मेरे घर वाले का प्रेशर रहेगा। तो कानून का प्रयोग निश्चित रूप से, अगर कानून का प्रयोग करने के लिए उनको कानून की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी हम प्रतिभा जी से हेल्प लेते हैं, प्रतिभा जी बताती हैं स्कूल कॉलेजेस में जाके, कम्युनिटी में जाके, कि उनके कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं, इनका प्रयोग बुक आसानी से कैसे करें। उनको बहुत सॉफ्टनेस से बताते हैं कि कहीं डरने की जरूरत नहीं है, उनका बिल्कुल फैमिली मेंबर बन के उन्हें बताइए तो उनकी समझ में आएगी। अगर मंच पे बैठ के आप बताएंगे उनको नहीं समझ में आएगी। सो वो अपनी कानूनी भी संरक्षण करें, तभी वो अपनी संरक्षा चीज से कर। बहुत ही सार्थक बिंदु डॉक्टर साधना कुलश्रेष्ठ जी ने रखे महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में और महिलाओं के संरक्षण के संबंध में। आज का ये जो कार्यक्रम, ये जो वेबिनार हमारे संस्थान में आयोजित किया गया था, ये उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग की ओर से जो मिशन शक्ति की कार्यक्रम श्रृंखला चलाई जा रही है, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बड़ी पहल की है महिलाओं के संरक्षण के संबंध में, और उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रमों की श्रृंखला वृंदावन शोध संस्थान को आयोजित करने का एक अवसर भी दिया गया है। तो हम भी बहुत गौरवान्वित हैं इस अवसर के प्राप्त होने से, और इसलिए भी गौरवान्वित हैं कि आज जो संगम हुआ है आप दोनों का, सामाजिक संचेतना और कानून, ये जब तक एक साथ नहीं मिलते तब तक हम किसी को भी संरक्षण प्रदान नहीं कर सकते। तो आप समाजशास्त्र की विदुषी हैं, आप कानून की ज्ञाता हैं, दोनों ने अपने अपने विषयों के माध्यम से अपने अपने क्षेत्रों में किस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, और जो डिस्ट्रेस्ड वुमेन हैं, जो परेशान हैं, जिनको आगे सहायता की आवश्यकता है, और उसके साथ ही किस प्रकार से उन्हें शिक्षित किया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए, या जो महिलाओं के प्रति जो जो भेदभाव है, जो अत्याचार है, या जो आज के समय में जो जो नासमझ लोग हैं, या जो मन से थोड़े से इस प्रकार के हैं कि वो जिसको कहते हैं कि अपराध की श्रेणी में जो कृत्य आते हैं, उनको किस तरह से रोकने का हम प्रयास कर सकते हैं, उन सभी विषयों के ऊपर बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। आपको औपचारिक रूप से धन्यवाद देने के लिए मैं वृंदावन शोध संस्थान के निदेशक श्री सतीश चंद्र दीक्षित जी से अनुरोध करता हूं। सब्जेक्ट नारी शक्ति के संबंध में डॉक्टर साधना कुलश्रेष्ठ जी, प्रतिभा शर्मा एडवोकेट जी ने अपनी गरमाई ज्ञान जो हम सब लोगों को दिया, वो बहुत ही जरूरी है कि समाज में इस ज्ञान के चलते महिलाएं बच्चियां सुरक्षित रह सकती हैं। गवर्नमेंट का, यूपी गवर्नमेंट का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पूरा ध्यान है, हम सब लोगों को भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। अगर कहीं ऐसा कुछ हो रहा है और हम देख रहे हैं, ये नहीं कि हम वहाँ से गुजर जाएं, हमें उसमें इंटरफेयर करना चाहिए और उस मिशन को, इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं संस्थान की तरफ से आदरणीय डॉक्टर साधना कुलश्रेष्ठ जी, आदरणीय प्रतिभा शर्मा जी, एडवोकेट जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी प्रार्थना सुनी और अपने बहुत ही व्यस्त समय में से समय निकालकर इस एक अच्छे काम के लिए अपना समय दिया। धन्यवाद।